अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आपको पता है सीजनल फ्रूट हमारी सेहत के लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और हम लोग आपको अलग अलग तरीके से इनका इस्तेमाल बताते रहते हैं। तो आज भी एक ज़बरदस्त सी डिफरेंट सी रेसिपी है जो कि जामुन कुल्फ़ी की है। ये तो सीज़न में आते ही आप लोग वैसे भी खाते होंगे, एक दफ़ा इस तरह से ट्राई करेंगे तो आप लोग मुझे बड़ी दुआएँ देंगे। तो इसके लिए देखें हमें तीन ही चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमें जामुन चाहिए। ये आप लोग ज़्यादा बना रहे कुल्फियाँ तो ज़्यादा ले लें। मैंने इनको ये देखें इस तरह से ना गुठली के ऊपर से निकाल लिया छुरी के साथ। साथ में पानी चाहिए हमें, थिक सी इनकी पेस्ट सी बनानी है। और उसके बाद हमें चाहिए चीनी, ये मैंने हाफ कप ली है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे ब्लेंडिंग जग और इसमें डाल देंगे चीनी और साथ हम लोग डाल देंगे जामुन। देखिए कितने प्यारे हैं और इनका कलर इतना अट्रैक्ट करता है ना। तो जब ये कुल्फी के रूप में सामने आएंगे तब तो बच्चे देखने वाले होंगे। तो अब पानी ऐड कर देंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, पहले इतनी सी बना के देख लेंगे। ये सारा ही पानी डाल देते हैं, मुझे लगता है ये काफ़ी होगा। अब इसको अच्छी तरह से हमने रगड़े दे लेने हैं। तो ये बंद करते हैं और चलते हैं इसको ब्लेंड करने। अच्छा जी, देखें अब कुल्फियाँ मैंने मोल्ड में डाल दी हैं और इनको रैप अप कर दिए और साथ मैंने ये स्टिक्स लगा दी हैं। अब इनको ओवरनाइट के लिए हम कम से कम रख देंगे। अगर आप और कम रखना चाहें तो आप 2-3 घंटे भी रख सकते हैं, आपके फ्रीज़र पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी वो इनको बर्फ़ बना देगा। तो आप फ्रीज़र में रख देते हैं और मिलते हैं इनके जमने के बाद। अच्छा देखिए जनाब, कितनी ज़बरदस्त हमारी जामुन कुल्फ़ी तैयार हो चुकी है और कितनी रिफ़्रेशिंग है, आपको देख के भी फील हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसे ट्राई करना है, अपने बच्चों को बना के देनी है, पार्टी वगैरह में बना के दें, बच्चों की बर्थडे पार्टी में ज़रूर बनाएं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अच्छी अच्छी रेसिपी सीखने के लिए और वीडियोज़ को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। जिनके बच्चे हों छोटे छोटे उनके साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।